तो दोस्तों ये है माइक्रोमैक्स का इन टू बी और बहुत सारे टेस्ट करने के बाद आज हम इसके बारे में बात करें इसका बैटरी टेस्ट के बारे में, यानी कि एक्सट्रीम कंडीशन में अगर आप कॉन्टिन्यूसली वीडियो चलाते हैं, गेम वगैरह खेलते हैं, तो क्या इसमें कितना बैटरी ड्रेन होता है उसके बारे में बात करेंगे, और ये 0 to 100 चार्ज होने में कितना टाइम लगता है इसके बारे में बात करेंगे। और इसका बहुत सारे वीडियो चैनल के ऊपर आ चुका है, अगर आप नहीं देखे तो जाके चैनल के ऊपर देख सकते हैं, और आखिर में लिंक मिल जाएगा, आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो अगर आपको जानना है कि एक्सट्रीम बैटरी कंडीशन इसका क्या है, यानी कि फुल यूज करने के बाद कितना ये बचता है, कितना टाइम तक चलता है, और 0 to 100 होने में कितना टाइम लगता है, चार्ज होने में कितना टाइम लगता है, इस सब के बारे में जानना है तो देखते रहिए इस वीडियो को। तो जैसे बताया कि 0 to 100 होने में कितना टाइम लगता है उसके बारे में बात करेंगे, और 100 से 0 होने में एक्सट्रीम कंडीशन में कितना टाइम लगता है। याद रखिए मैं बता रहा हूँ कि एक्सट्रीम कंडीशन में यानी कि कॉन्टिन्यूसली अगर स्क्रीन ऑन टाइम जो बोलते हैं वो यहाँ पे बात करेंगे, कॉन्टिन्यूसली वीडियो प्ले होगा और गेम भी हम खेलेंगे तो उस टाइम में कितना खत्म होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम बताएंगे कि यहाँ पे 100 से 0 होने में यानी कि कॉन्टिन्यूसली वीडियो प्ले होता है तो कितना टाइम तक ये चार्ज चलता है उसके हम बात करेंगे। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपको देखने को मिल जाएगा, जी हाँ साइड में आपको देखने को मिल जाएगा कितना क्या कुछ हो रहा है, यहाँ पे टोटल स्क्रीन में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे पहले स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं 100% है 15:30 में, यानी कि 3:30 बजे ये 100% में था। उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीनशॉट की बात करते हैं तो 16:36 यानी कि 4:30 बजे ये पहुंच गया था 89% में, और उसके बाद यहाँ पे 72% पहुँच गया था ये 17 में, यानी कि 6:17 में पहुँच गया था 72% में। उसके बाद 7:11 में ये पहुँच गया था 62% में। उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीनशॉट की बात करते हैं तो 19:38 में ये पहुँच गया था 57% में, और उसके बाद 20:44 में यानी कि लगभग 8:45 में ये पहुँच गया था 45% में। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट की बात करते हैं तो 22:23 में ये पहुँच गया था यानी कि लगभग 10:30 में ये पहुंच गया था 26% में, और उसके बाद यहाँ पे 23:17 में ये पहुंच गया था 16% में, यानी कि लगभग 11:30 के आसपास ये 16% में पहुंच गया था। उसके बाद यहाँ पे 1 बजे ये पहुंच गया था 5% में, और उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीनशॉट की बात करें तो 1:19 में ये पहुंच गया था 1% में। ये चार्जिंग दिखा रहा है क्योंकि जस्ट बंद हो गया, उसके बाद मैं उसको ऑन किया और दिखा रहा हूँ, तो लगभग मान सकते हैं 1:15 के आसपास ये टोटल खत्म हो गया था। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि लगभग 10 घंटा तक इसका बैटरी बैकअप रहा है। अगर आप नॉर्मल यूज करते हैं तो एक दिन का आपको आराम से मिल जाएगा, लेकिन अगर आप एक्सट्रीम कंडीशन में यूज करते हैं तो ये बहुत जल्दी ड्रेन होता है। और एक जो इसमें चीज मैं देखा उसे बता रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत ज्यादा हीटअप होता है गेम खेलने के टाइम में, या अगर आप 2-3 घंटा वीडियो प्ले करेंगे तो थोड़ा हीटअप होता है, तो इसीलिए भी जल्दी से जल्दी बैटरी ड्रेन होता है। क्योंकि अगर आप पता नहीं तो बता दो कि जितना भी फोन होता है अगर ज्यादा हीटअप करते हैं तो उसी हिसाब से बैटरी भी बहुत जल्दी ड्रेन होता है। तो इसीलिए नहीं तो इस रेंज में जितने भी फोन आते हैं 12-13 घंटे तक चल जाते हैं एक्सट्रीम कंडीशन में, लेकिन ये 10 घंटा तक चल पाया क्योंकि इसमें 5000 बैटरी है और बहुत सारे 5000 एमएएच वाला बैटरी फोन है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ज्यादा हीटअप हो रहा है इस प्रोसेसर के साथ तो इसीलिए ये 10 घंटा जा रहा है। अगर आप नॉर्मल यूज करेंगे तो मान के चल सकते हैं 20 घंटा तक ये साथ आपका दे देगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि चार्ज इसको होने में कितना टाइम लगता है। इसमें आपको एक छोटा सा चार्जर मिलता है, 10 वाट का चार्जर है, लेकिन दिखता है ये 5 वाट के चार्जर के जैसा, लेकिन ये 10 वाट का एक चार्जर है। तो ये इस फोन को कितना टाइम में चार्ज करता है उसके बारे में बात करेंगे, यानी कि 0 to 100 पूरा फोन डेड होने के बाद जो चार्ज होता है, 0 to 100 होने में इसको कितना टाइम लगता है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं 1% में है और टाइम हुआ है 12:37। उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीनशॉट की बात करते हैं तो 13:33 यानी कि लगभग 1 घंटे के बाद ये पहुंच गया था 14% में। उसके बाद यहाँ पे 14:35 में ये पहुंच गया था 83% में, यानी कि लगभग 2 घंटे के बाद ये पहुंच गया था 83% में। उसका नेक्स्ट स्क्रीनशॉट की बात करते हैं तो 15:50 में ये पहुंच गया था 97% में, और उसके बाद 15:30 में ये पहुंच गया था 100% में, यानी कि लगभग इसको 3 घंटा लगते हैं, लगभग या पूरा ही 3 घंटा लग गया है, और किसी केस में भी 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लगभग 3 घंटा इसको लगता है 0 to 100 फुल चार्ज होने में। और एक चीज यहाँ पे बता दो कि जो चार्ज होता है उस टाइम ये बहुत ही गर्म होता है, और इसका टेम्परेचर चेक किया था 40-41 के आसपास ही हीटअप हो जाता है। ये छोटा सा चुटकू चार्जर है, 40 डिग्री के आसपास ये टेम्परेचर इसका राइज हो जाता है। जी हाँ, एक साइड जो
इस साइड है, शायद से लोगों साइड या पीछे साइड याद नहीं है, लेकिन जो भी हो एक साइड तो कोल रहता है लेकिन दूसरा साइड बहुत ही ज़्यादा हीटअप हो जाता है, 40 के आसपास पहुंच जाता है। तो एक चीज़ थी बताने वाला था तो बता दिया कि चार्जर भी थोड़ा हीटअप होता है फोन, लेकिन चार्ज होने टाइम में हीटअप नहीं होता, जैसे गेम खेलने के टाइम में या स्क्रीन बहुत ज़्यादा यूज करने के टाइम में हीटअप होता है, या फिर आप GPS वगैरह ट्रैकिंग के तो उस टाइम में भी हीटअप होता है, लेकिन चार्ज होने के टाइम में फोन उतना गर्म नहीं होता, लेकिन चार्जर बहुत ज़्यादा गर्म होता है, 40 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा वीडियो इसका चार्जिंग टेस्ट के बारे में, 0 to 100 होने में कितना लग रहा है टाइम और 100 से 0 एक्सट्रीम कंडीशन में होने में कितना टाइम लग रहा है, इस सब के बारे में बता दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे कर देना, और इस वीडियो के थ्रू इस फोन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो जरूर से वीडियो को लाइक कर देना। और एक सबसे जरूरी बात कि मेरा नाम सुमन, आप देखिए टेक यूट्यूब चैनल, मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।